वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डेली कुकिंग और आज बन रहे हैं शरबत, लाल वाला शरबत और हरा वाला शरबत। नाम हमने ले आइसक्रीम सोडा चले रहे थे, ग्रीन वाला जो है वो तो आइसक्रीम सोडा है और दूसरा ये लाल वाला शरबत अक्सर जो अच्छा अक्सर जो लाल शरबत मिलते हैं गुलाब के भी मिलते हैं, लेकिन ये मिक्स वाला है। ये वो मिक्स वाला है जिससे फ्रूट भी बने होते हैं, गुलाब भी होता है, फूल भी होते हैं, खुशबू भी होती है। सवाल होना चाहिए सवाल में आसान से रखती हूँ ना सवाल आप लोगों से, तो सवाल भी यहाँ मैं बता देती हूँ। अगर आप जीतना चाहते हैं शेरिटन का वाउचर जिसमें कि आप जाके अफ्तार प्लस डिनर कर सकते हैं अल्बुस्तान रेस्टोरेंट में, तो उसके लिए आपको जवाब देना है। कल लकी ड्रॉ होगा, दो विनर्स के नाम अनाउंस करूंगी। आज का सवाल ये है कि इस शरबत में गोंद डली है, ठीक है? सो कौन सी गोंद डली है उसका नाम बता दें। और दो तरह की गोंद होती है जो सारा पर ने शुरू में बताया था, दोनों गोंदों के नाम बता दें। अगर एक का भी बता दें ना तो भी मैं सही मान लूंगी जवाब, ठीक है? तो दोनों गोंदों में से जिसका भी आपको दोनों का आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक गोंद का भी आप बता दें कि नाम क्या है। अच्छा देखिए, ये जो लाल शरबत मैंने शुरू किया था और आपको सिर्फ ये दिखाना चाहूंगी कि जो मैंने गोंद और पानी को रात भर भिगो दिया था ना, तो अब उसमें ये भीगने के बाद भी ये जो दाना था ये रहा था, ये डिसॉल्व कम्प्लीटली हुई नहीं थी। बल्कि गोंद तीन तरह की होती है। एक तो वो गोंद होती है जिसे हम कोई चीज को स्टिक करते हैं जो बच्चों के लिए जो मिलती है ना, हाँ रबर, हाँ तो ब्लू मतलब, लेकिन ये तो खाने वाली दो होती है। अच्छा अब इस वो डिसॉल्व हो जाएगी पानी में, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं हुई। सेकंड बात ये कि जब मैंने इसको पकाने के जब चीनी और पानी डिसॉल्व हो गया, भीगी हुई गोंद डाल दी, जब वो डाल दिए तो देखिए ये पक रहा है ना, लेकिन इसके बावजूद ये मौजूद है, इसके बावजूद ये मौजूद है, इसके साथ ये पकेगा। फिर हम इसको छान के डिस्कार्ड करेंगे और जो भीगी हुई इसको फिर फेंक देंगे, क्योंकि इसका सारा जूस पक पक के निकल रहा है, एक हस्क रह जाएगा इसका खाली, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अच्छा, मैं वो ये सोच रही थी कि शायद डिसॉल्व हो जाएगी गर्म पानी। नहीं बिल्कुल नहीं, ये दिखाना दिखा रही थी कि ना भीगने से हुई ना पकने से हुई। और उसके बाद इसको करेंगे तो इसको आप छोड़ देते हैं, ये कुक हो रहा है। आते हैं हम अपनी सेकेंड रेसिपी पे जो हम बना रहे हैं शान के मसाले से। शान के कड़ाई गोश्त मसाला मैं ले रही हूँ और शान का कड़ाई गोश्त मसाले से आप कड़ाई गोश्त बना सकते हैं, आप इससे बाल्टी गोश्त बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी पीछे आप जब एक पैकेट बाय करेंगे तो आपको एक साथ दो रेसिपीज मिल जाएंगी और आप एक पैकेट से दो रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं और दोनों रेसिपीज पीछे अवेलेबल हैं। लेकिन मैं गोश्त का नहीं कर रही हूँ, मैं चिकन से करूंगी, बिकॉज हमारे पास टाइम कम होता है और चिकन में ये होता है कि कुकिंग फटाफट हो जाती है, इस वजह से मैं चिकन से बना रही हूँ। लेकिन जिस वक्त मैं करूंगी उस वक्त मैं आपको ये बात बता दूंगी कि अगर आप मटन से करेंगे तो कौन सा स्टेप किस वक्त आपको करना है और क्या करना है। सबसे पहले मैं कुकिंग पैन में डाल रही हूँ ऑयल। अच्छा कॉलर है, कॉलर से भी बात करते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सारा कैसी है? अल्लाह का शुक्र खैरियत से। अच्छे अच्छे खाने पका रही हैं आजकल। बहुत शुक्रिया। जो है ना शरबत जो बना रही है वो शरबत, इसका मैंने ना आंसर भी देना है आपके क्वेश्चन का। पहली जो है आप जो बना रही है जो पतीरा गोंदे और दूसरी जो है सुदानी। अच्छा तो हल नहीं होती वो हल हो जाती है। तो अपना नाम भी बता दें प्लीज ताकि पता चल जाए हमें कौन है हम। जी मेरा नाम सलमा है। सलमा, अच्छा ठीक है। हाँ आपका नाम तो बताया करें ना आप लोग, हमें क्या पता, फिर मैं ऐसे ही लिखूंगी जवाब। नाम नहीं लिख लिया? लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अच्छा जरा गुलाब का जो है ना शरबत बनाना जरूरी सिखाइएगा आप आगे बोले। आज मिक्स वाला बना है, उसमें गुलाब भी है, फल भी है, सब कुछ है। अच्छा लाल वाला। अच्छा थैंक यू। ओके ओके शुक्रिया। चलिए अब देखिए, मैंने इसके लिए हाफ कप ऑयल लिया। हाफ कप ऑयल में हमें चाहिए है इसके लिए चिकन, और चिकन जो मीट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिंदा मुर्गी जो थी वो 1.5 किलो की थी, उसको साफ करवाने के बाद उसका जो मीट रह गया वो 1 केजी है और 1 केजी के हमने 20 पीसेस कर लिए हैं। अगर आप मटन से बना रही हैं तो मटन ले लीजिएगा 3 पाव यानी 750 ग्राम और 3 पाव। मैं चिकन से कर रही हूँ, ये 1 केजी चिकन है विद बोन्स एंड 20 पीसेस बने हुए। अब हमने ऑयल लिया और ये एक बेसिक चीज अपने माइंड में बिठा लें, जितना गोश्त होता है उसके आधे टमाटर। तो चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे शान का मसाला हो, चाहे घर का मसाला हो, हमेशा कढ़ाई गोश्त का जो बेस्ट रिजल्ट आता है हाफ क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज। अब ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद शान का अच्छा साफ सुथरा इतना जबरदस्त रिफाइंड किया हुआ जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून ये मैंने इसमें डाल दिया ऑयल के अंदर। मुझे तो इसका कलर बहुत अच्छा लगा। ओए ओए, अच्छा देखिए फौरन मैं दूर हो जाऊंगा। क्या बात, ओह हो, क्या फायर वर्क हो रहा है आज। बगैर कुछ किए
देखिए जिंजर पेस्ट है और मैं इसमें डाल दे रही हूँ फौरन टोमेटो। क्या हो गया भाई आगे इनका थोड़ा मसाला संभलना मुश्किल है। हाफ के जी टोमेटो के वन टी स्पून डाल लीजिए। देखिए ये भी कितना जबरदस्त कितना व्हाइट है। अदरक लहसुन शान का मैंने एक एक चाटा चम्मच डाला और इसके अंदर मैंने डाल दिया आधा किलो टमाटर फटाफट ताकि ये ज्यादा शोर ना करे। सुकून आ जाए जी। देखिए जब अदरक लहसुन डालते हैं तो थोड़ा पानी डालते हैं ताकि वो उड़े नहीं और जले नहीं। वो तो डालने ही नहीं दिया उन्होंने इससे पहले ही ना तारीफ ज्यादा कर दी। अच्छा जी कॉलर भी है तो बात करते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? मैं अबरीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अबरीन कैसी हैं? बस शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक। रमजान शरीफ की मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आपको भी बहुत मुबारक। मुझे बहुत अच्छी याद मेरी कॉल मिली थी आपसे। मैं पूरे रमजान शरीफ में ट्राई करती रही हूँ और मेरा फोन नहीं लगा। सो स्वीट। थैंक यू सो मच। हमें बहुत खुशी है तुम्हारी कॉल आज। हाँ मैं पहली दफा बात कर रही हूँ और मैं ये फिरोजपुर रोड से। हम आपका प्रोग्राम तो रोजाना ही मैं देखती हूँ घर में। अच्छा तो मैं दरअसल मैं ये जो आपकी को के सारा आपा ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। इनकी जो फेस है इनका चक्कर जो है वो काफी मेरी अम्मी से मिलती जुलती है। अच्छा हाँ तो इनका इनकी बस ना इनकी जो जिनैनस जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही और वजूद भी ऐसे ही मतलब बॉडी जैसे ये बिल्कुल सेम टू सेम मेरी अम्मी के। जो 3 साल हो गए मेरी अम्मी की डेथ हुई है। ओहो सो सॉरी सो सॉरी। तो हमारे आज केबल नहीं आ रही तो आज मैं प्रोग्राम नहीं देख पा रही तो मैं कल सुबह से ट्राई कर रही हूँ कॉल की। देखो आज तुम्हारी कॉल तो मिल गई ना। देखो प्रोग्राम देख नहीं रही तो बात कर रही है और सारा पर से बात करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह आपको 100 साल की उम्र दे। क्यों भाई बहुत शुक्रिया बेटा दुआ देने का। लेकिन आप बिल्कुल फील नहीं करें। आपकी हर एक ने जाना है आगे पीछे की बात है किसका किस वक्त टाइम आता है। आप मैं हूँ आपके लिए। आप तो नहीं आप सोच नहीं सकती कि आज आपसे बात करके ऐसी जैसे दिल की धड़कन थम सी जाती है ना। मुझे महसूस हो रहा है बेटा। आपको मैं रोजाना देखती हूँ और मतलब खाने से ज्यादा तो मैं आपको देखती हूँ कि आपकी बातें और आपकी आंखें आपके मम्मी याद आ जाती होंगी ना अपनी। हाँ, मम्मी याद आ जाती हूँ। हाँ पूरी बॉडी आपकी जो ऐसे बात करना वैसे वो धीमा लहजा हमेशा मतलब लड़ाई झगड़े वाला नहीं हमेशा हंस के बात करनी बस सारा आपा को अपनी अम्मी समझो। यहाँ पे हम लोग भी तो हैं तुम्हारे लिए। ठीक है मैं कह रही हूँ छोटा हूँ आपकी अम्मी और आपकी अम्मी की तरह हूँ। आप बिल्कुल मुझे समझें ऐसी कोई बात नहीं है और बिल्कुल भी नहीं परेशान हो और हिम्मत से काम लो। जब अल्लाह ताला ये डालता है तो अल्लाह ताला ही गुजारता है वही हिम्मत देता है। बिल्कुल नहीं परेशान हो बेटा। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत तंदुरुस्ती दे और आप हमेशा ठीक रहें और इसी तरह हंसी खेलती आप टीवी में आप आती रहें और बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अमरीन। और बस जब भी दिल करे तो कॉल कर लो। रोजाना तो मुझसे बात करनी हो तो कॉल कर लें बेटा। अच्छा इसका बता दें थोड़ा सा फिर देख लेंगे। अच्छा देखिए इसमें मैंने ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद शान का 1 चाय का चम्मच अदरक पेस्ट 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1/2 kg टोमेटोज एंड 1 kg चिकन मीट और अब हम डालेंगे शान का फ्राई गोश्त मसाले का पैकेट। ये जो है 50 ग्राम का पैकेट है। पूरा डाल दूंगी कवर करके रख देते हैं क्योंकि ब्रेक का टाइम है और फिर आके फिर मैं आपको सारा कुछ बताती हूं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा शरबत का भी और कढ़ाई का वो आपको आके बताएंगे। लेकिन अभी लेंगे ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं डेली कुकिंग।